आज हम चुटाला गांव में आए क्योंकि पंचायत और खाप की परंपरा के अनुसार जिस गांव का मामला होता है उस गांव को विश्वास में जरूर लेना चाहिए। ये परिवार एकजुट हो, खाप पंचायत हरियाणा स्वाभिमान आंदोलन 36 बिरादरी इस प्रयास में लगी हुई है और उन सबके सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें प्रगति एक तो ये हुई है कि पहले ही डॉक्टर अजय सिंह चौधरी, अभय सिंह जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, सरदार बादल साहब, ये सभी खाप पंचायत पे छोड़ चुके। लेकिन दुष्यंत जी को हमने जो पत्र लिखा था, उन्होंने पत्र का जवाब दे करके हमें कहा कि आपकी मुहिम बहुत अच्छी है, हम तहे दिल से हम इस प्रयास की सराहना करते, धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अजय सिंह जी बाहर आके इस पर फैसला लेंगे, फरलो पे आए। लेकिन चुनाव बहुत नजदीक है, इसलिए हमारा कहना है कि फरलो पे एक दो दिन में आते हों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो डॉक्टर अजय सिंह जी ने पंचायत पे छोड़ दिया था, दुष्यंत को भी पंचायत पे छोड़ देना चाहिए ताकि समय रहते इसका समाधान निकाला जा सके। इसलिए चुटाला गांव ने आज सर्वसम्मति से बहुत सारी पार्टियों के समर्थक गांव में होते हैं, पार्टी से ऊपर उठ करके पूरे गांव ने इस एकता की मुहिम का हरियाणा के हित में न केवल समर्थन किया बल्कि ये भी कहा कि हमें खाप पंचायत और रमेश दलाल पर पूरा भरोसा है। ताऊ देवीलाल के पद चिन्हों पर यदि चलना है तो पहले परिवार को एकजुट करो, उसने पूरे विपक्ष को एकजुट किया था। इसलिए मेरा कहना है कि दोनों परिवार यदि एकजुट नहीं हुए तो मैं जनता की साफ साफ आवाज बता रहा हूं, इनको यह लगता है कि हम वो ज्यादा रहेगा, कोई सा भी ज्यादा नहीं रहते। मुझे लगता है कभी परिवार राजनीति से सदा के लिए लुप्त न हो जाए, ऐसी संभावना है। आपके माध्यम से दोनों परिवारों के लिए एक निवेदन है कि जल्दी से जल्दी निपटाओ, लेकिन इसमें जो थोड़ी बहुत देरी हो रही है, दुष्यंत वैसे हमारे साथ मेरी कई बार बात हुई, लेकिन जितनी भी जो देरी हो रही है वो दुष्यंत की तरफ से हो रहे हैं। मैं फिर आग्रह करूंगा कि खाप पंचायत जिसको हमेशा उनके दादा ने सम्मान दिया, उस खाप पंचायत का सम्मान करें। और खाप पंचायत आपके सामने फिर भरोसा दिलाती है, मैं तो किसी के साथ खाप पंचायत ने अन्याय किया और ना ही दोनों परिवारों के साथ करेगी, बल्कि खाप पंचायत का इतिहास रहा है कि जिन मामलों को कोर्ट ने निपटा पाई उन मामलों को खाप पंचायत ने निपटाए। तो मैं समझता हूं एकजुट होकर परिवार को खुद ही करनी चाहिए ये पहल कि जैसे ताऊ देवीलाल ने पूरे विपक्ष को इकट्ठा किया था, उस मुहिम में वो रोड़ा ने बने और एक महागठबंधन बनके जो ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने खापों को तोड़ा, जिसने 100 से ज्यादा लाशें गिराई, आपके सामने धार्मिक आस्था रखने वालों की लाशें गिराई, जाट आरक्षण में जाट गैर जाट की लाशें गिराई, और जो इतना कुछ होने के बावजूद भी और वो मुख्यमंत्री बनेगा तो हरियाणा के नाम पर एक कलंक होगा। जब तक नामांकन नहीं भरे जाते तब तक हमारे प्रयास जारी रहेंगे। हम चाहते हैं कि जो 22 और 25 तारीख रखी हुई है ताऊ देवीलाल की जयंती पर, उससे पहले परिवार एकजुट होके और हरियाणा, पूरा हरियाणा ताऊ देवीलाल की जयंती पर शामिल हो और परिवारों की एकजुटता का प्रदर्शन हो, ये हमारा प्रयास है। अब तो दुष्यंत को जरूर कोई न कोई कदम उठाना चाहिए और हमारी सलाह भी है, पंचायत बार बार सलाह दे रही है कि जब सब ने दोबारा से चुटाला साहब का बयान आ गया, उन्होंने कहा कि मैंने ताऊ देवीलाल से यही पाठ सीखा है कि पंचायत का फैसला सर्वोपरि है, और बादल साहब ने यही कहा कि पंचायत बड़ी चीज है। तो मैं समझता हूं हरियाणा की संस्कृति में पंचायत से बढ़कर कोई नहीं,